नारोवाल से आपको आगाह करें। दिफाए वतन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद बशारत की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाए वतन न्यूज चैनल पर खबर नशर होने पर बड़ा एक्शन। सिखों चक डिस्पेंसरी तीसरी बार खबर वायरल होने पर बहाल। कदीमी कस्बा की आवाम से नारवा सलूक और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की खबर पर बड़ा एक्शन। डिस्पेंसरी बहाल तो की दोबारा कब ताला लगा दिया जाएगा? अवाम का मासूमाना सवाल। जो डिस्पेंसर ड्यूटी पर था वो मर्जी से आता, अपनी मर्जी से चला जाता था। इसके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं थी, महकमा हेल्थ का मुलाजिम नहीं था, सरकारी खजाने से इसे तनख्वाह नहीं मिलती थी, फिर ऐसा क्यों करता था? अवाम के मुक्ति सवाल जिनके जवाब अभी बाकी हैं। मजबूर अवाम ने बताया कि हमें अताई डॉक्टर के पास जाने पर मजबूर किया जाता है। डिस्पेंसरी बंद रखकर सिखों चक की अवाम को जानबूझकर मजबूर किया जाता है ताकि वह अताई डॉक्टर के पास जाएं। अवाम के साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों किया जाता है? ताकि हर तरफ फैलाए जाने वाली अताइयत कामयाबी से अपना काम करे। और पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड के नुमाइंदों से अवामी गुफ्तगू।